हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट द स्टडी पर। मेरा नाम अमृता है। मैं आज आपके लिए स्पेलिंग एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। स्पेलिंग एरर टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में स्पेलिंग एरर से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन तो ज़रूरी आते हैं, इसलिए इस टॉपिक पर आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग स्पेल्ड है। पहला ऑप्शन है इलैबोरेट, दूसरा ऑप्शन थ्रो रफनेस है, तीसरा ऑप्शन थेरेपी है, चौथा ऑप्शन स्टेबिलिटी है। इसमें आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत प्रिंट है। इसका सही आंसर इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी है इंस्टेबिलिटी। जो स्पेलिंग लिखी थी INSTABLITY, ये स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग है INSTABILITY। अगर आपको कोई भी स्पेलिंग पढ़नी नहीं आ रही या पढ़ने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस पढ़ेंगे, फिर टे पढ़ेंगे, फिर बिलिटी पढ़ेंगे। इंस्टेबिलिटी जिसका अर्थ है अस्थिरता या क्षण भंगुर। हमारे जो अनादर ऑप्शन है उसका भी अर्थ हम जान लेते हैं। इलैबोरेट का मतलब होता है विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना, और थ्रो रफनेस का मतलब होता है संपूर्णता, थेरेपी का मतलब होता है उपचार। अब थेरेपी की स्पेलिंग जो है वो दो तीन बार आ चुकी है। थेरेपी की स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिए। थेरेपी की स्पेलिंग होती है THERAPY। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत प्रिंट है। नंबर वन ऑप्शन है 12, नंबर दो ऑप्शन है प्रोग्राम, नंबर तीन ऑप्शन है कनिंग, नंबर चार ऑप्शन है एम्बैरेसमेंट। इसका जो सही आंसर है, इसमें से जो गलत प्रिंट स्पेलिंग है वो 12 है। 12 की शुद्ध वर्तनी है 12, इसमें 12th लिखा है। 12th होता है TWELFTH। 12th में F जरूर ऐड होता है, इसमें F ऐड नहीं है। 12th का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 12वां भाग, और इसके जो दूसरी मीनिंग्स हैं, जो दूसरे मीनिंग्स हैं उसका अर्थ है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। प्रोग्राम का जो अर्थ है वो कार्यक्रम। कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चापलूस। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट होता है, एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है उलझन। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग होती है EMBARRASMENT। एम्बेरसमेंट में दो बार आर आता है, दो बार एस आता है। इससे भी आप मीनिंग को याद कर सकते हैं कि इसमें कितने बार एस आता है और कितने बार आर आता है। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। सिचुएशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, म्यूनिसिपल की स्पेलिंग गलत लिखी है, समृद्धि की स्पेलिंग गलत लिखी है या पिट्यूटरी की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो जिसमें स्पेलिंग गलत लिखी है वो म्यूनिसिपल की स्पेलिंग गलत लिखी है। म्यूनिसिपल की सही वर्तनी है म्यूनिसिपल। इसमें जो आपकी गलत वर्तनी थी उसमें MINICIPAL होता है, ये एक अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध वर्तनी होता है म्यू, MUNICIPAL, म्यूनिसिपल, जिसका मतलब होता है नगर पालिका। हमारे जो दूसरे ऑप्शन है उसका अर्थ है सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी की स्पेलिंग पहले आप पिट याद करेंगे फिर यू फिटरी, इस तरह से आप स्पेलिंग को याद भी कर सकते हैं थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके। पिट्यूटरी, PITUITARY। अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पिट्यूटरी में TERY होता है कि TARY होता है। इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आता है कि TERY होता है कि TARY होता है, तो इसको ज़रूर देखें कि TARY
टी ए आर वाई है या टी ही आर वाई, पिट्यूटरी में टी ए आर वाई है। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है मिस फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सी मीनिंग गलत प्रिंट है, कैरर की स्पेलिंग गलत लिखी है, ट्रम्परी की स्पेलिंग गलत लिखी है, साइंटिफिक की स्पेलिंग गलत लिखी है या सोनोरस की स्पेलिंग गलत लिखी है। इसमें जो स्पेलिंग गलत प्रिंट है वो सोनोरस की स्पेलिंग गलत प्रिंट है। सोनोरस की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, सोनोरस की सही वर्तनी होती है एस ओ एन ओ आर ओ यू एस। सोनोरस का मतलब होता है स्पष्ट, अनुनादी या मधुर स्वभाव का व्यक्ति। कैरर का मतलब होता है देख रेख करने वाला, सी ए आर ई आर। ये कैरियर नहीं है, ये कैरर है। सी ए आर ई आर कैरर का मतलब होता है देख रेख करने वाला। ट्रम्परी का मतलब होता बकवास, खटिया। ट्रम्परी टी आर यू एम पी ई आर वाई, पी ई आर वाई है, ट्रम्परी है, परी नहीं। साइंटिफिक की स्पेलिंग में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो साइंटिफिक की जो सही स्पेलिंग है एस सी आई ई एन टी आई एफ आई सी। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सी स्पेलिंग जो है ये गलत है। हमारा पहला ऑप्शन है बिलीव, दूसरा ऑप्शन है रिसीव, तीसरा ऑप्शन है कंसीव, चौथा ऑप्शन है बिलीव। तो इसमें जो गलत प्रिंट है वो बिलीव है। बिलीव की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी है बिलीव, बी ई आर ई ए वी ही, बिलीव। आप बिलीव की स्पेलिंग को लास्ट के ए वी ई से भी याद कर सकते हैं कि बिलीव की स्पेलिंग में लास्ट में ए वी ई आता है, बी ई आर ई ए वी ई। बिलीव का मतलब होता है वंचित करना, छीन लेना। हमारी दूसरी मीनिंग जो है कंसीव, कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना या प्रकट करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव के लास्ट में आई वी ई आता है। ये थे हमारे आज के स्पेलिंग इधर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।